इन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी डेली 5-7 चलाने ने गांव के काट रहे होते हैं अपने इधर के अंदर लोकल गांव के जी गांव जो जहां पे रहते हैं बाकी वालों को तो छोड़ो पोर्टर वालों को छोड़ो करालिया वालों को छोड़ो ये गांव वालों को नहीं बख्शते तो बाकी क्या करेंगे हम पता क्या है जी गलतफहमी वहां हुई ये लोग आए बेचारे में अच्छा तो अभी इनको इलाके का भी आता अब हम लोग तो आपका ऐसा ही बोलता है जहाँ जाना वहाँ जाओ अकेले की बात करो कोई जवाब देने नवे बंदे जवाब देने एक अलग अलग एक दिन च पता लग जाता है जनाब चार महीने नहीं पता लगा सरपंच कौन है नहीं पता अज तक जिस पिंड के नाका लाया जनाब कितने बार खुद नाके पे आप कितनी बार नाके पे एक्चुअली पता के ऐसे उपरू भी ये होंदा कि भाई आज इन्हें चलाना है क्योंकि एक रूटीन बनी थी ना उसने ब्रेक लगाई है और चाबी डंडा भी मारी तो कम से कम
चार घंटे जो रोड ब्लॉक रखा पुलिस स्टेशन बने आए और हम किसान हम आए जहाँ पे सभी आसपास में भी लोग हैं वहाँ पे आए और हम मजबूर हुए जो कि पुलिस हरासमेंट करती है लोगों को जब लोग अपने खेतों में जाते हैं घास काटने के लिए और जहाँ पे जो नालायक अफसर लगे हुए हैं जिनको चलान बुक दी जाती है। अब देखो जहाँ पे अभी भाई साहब खड़े थे गाड़ी लेके बंदा आता है उसको हेलमेट का चलान करते हैं। देखो इंसानियत है इनको है कि हमें रोज आए दिन प्रॉब्लम आ रही थी रामगढ़ एसएचओ की तरफ से इन्होंने जहाँ पे चेक पोस्ट पे रोज नाका लगाया होता और हमारे गरीब जनता को जहाँ पे परेशान किया जा रहा था जो गांव से घास लेने के लिए जमीन में जाते हैं उनका चलान काटते हैं जो जहाँ भी घर से बाहर निकलेगा उसका चलान काटा जाता है। हमने आज एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया चार घंटे जो रामगढ़ रोड हमने ब्लॉक किया हुए जो कि पुलिस हरासमेंट करती है लोगों को जब लोग अपने खेतों में जाते हैं घास काटने के लिए और जहाँ पे जो नालायक अफसर लगे हुए हैं जिनको चलान बुक दी जाती है। अब देखो जहाँ पे अभी भाई साहब खड़े थे गाड़ी लेके बंदा आता है उसको हेलमेट का चलान करते हैं। देखो उस इंसानियत है इनको ऐसा है कि हमें रोज आए दिन प्रॉब्लम आ रही थी रामगढ़ एसएचओ की तरफ से इन्होंने जहाँ पे चेक पोस्ट पे रोज नाका लगाया होता और हमारे गरीब जनता को जहाँ पे परेशान किया जा रहा था जो गांव से घास लेने के लिए जमीन में जाते हैं उनका चलान काटते हैं जो जहाँ भी घर से बाहर निकलेगा उसका चलान काटा जाता है। हमने आज एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया चार घंटे जो रामगढ़ रोड हमने ब्लॉक किया एसएचओ ने हमें अभी यकीन दिलवाया कि आज से हमें जहाँ पे नाका नहीं लगाएंगे और आने जो चार जाके मुलाजिम हैं वो उनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। आए दिन लोगों से बदमाशी करते हैं। हम कहना चाहते हैं एसएसपी सांबा से ऐसे जो स्टाफ जहाँ पे नाके पे लगाते हैं उन्हें बंद कर दे आप समझा दें अगर ऐसे कार्रवाई करेंगे तो हम आए दिन जहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे रोड ब्लॉक करेंगे हम मांग करेंगे कि ऐसे जो रामगढ़ को ट्रांसफर किया जाए अगर ये हाल हमारा नहीं हुआ तो ऐसे जो की मांग हमारी जारी रहेगी।